इमोशन। दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं, तीन कैंडिडेट्स नहीं, दो सवा दो कैंडिडेट्स हैं। अजय माकन को थोड़ा इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड कर लो, तुम कर लो, कांग्रेस तो नहीं कर रही। सबसे पहले कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल, द चीफ मैन, मफलर मैन, परमानेंट चीफ प्रोटेस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर। बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बीजेपी ने, कुछ पांच क्वेश्चंस पूछे केजरीवाल से। हम भी पूछना चाहते हैं, भाई मफलर कब उतारेगा? गर्मियां रहती है तब भी मफलर पहनता है, ठंड में मफलर, टोपी धो लो, अब वो व्हाइट से ना ऑफ व्हाइट और बेज कलर की हो गई है। थर्ड क्वेश्चन, खांसी कब ठीक होगी? फोर्थ क्वेश्चन, अन्ना का क्या हुआ? हाँ, और फिफ्थ क्वेश्चन कि जब चीफ मिनिस्टर बनोगे तो कितने दिन के लिए बनोगे? नेक्स्ट वो 0.25% वाला कैंडिडेट हमारा अजय माकन, कांग्रेस कैंडिडेट, यूथ, यूथ फेस कांग्रेस का, वो यूथ है और मैं नैपी में हैप्पी हूँ। मेरे ख्याल से अब अजय माकन को प्रमोट नहीं करेगी कांग्रेस। क्यों? नेक्स्ट यूथ फेस इज मणिशंकर अय्यर। बात करते हैं किरण बेदी के बारे में। आई प्रेफर मंदिरा बेदी, कांट वी हैव हर एज द चीफ मिनिस्टर? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, द सिंबल विल बी द स्ट्रैप। किरण बेदी इंसान तो बहुत अच्छी है, गाड़ियां भी बहुत बढ़िया टो करती हैं, और तिहाड़ का काम तो समझिए हो ही गया। तिहाड़ में बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगे, दिल्ली में होना हो, ये बात भी सही है। द अदर थिंग इज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अन्ना और द लोकपाल बिल, ये दोनों कहां गए? अब अन्ना और लोकपाल एक साथ रहते हैं उन्हीं के गांव में। अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना बेचारा आगे निकल गया, ये दोनों साइड में हो गए। लूज इमोशंस।